नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि इजरायल रफा में हमले रोक देगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इजरायल के NSA ने डंके की चोट पर कहा कि इजरायल अगले 7 महीने तक गाजा में भीषण हमले यूं ही करता रहेगा। आप इजरायल की खूनी जंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायल ने मिस्र के बॉर्डर से सटे बफर जोन में हमला करके हमास के दर्जनों लड़ाके ढेर कर दिए। सात महीने और चलेगी जंग, मारे 15,000 हमास लड़ाके। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इजरायल को ऐलान करना पड़ा है कि अभी गाजा युद्ध 7 महीने और चलेगा? क्या 240 दिन की जंग के बाद इजरायल हमास को हरा नहीं पाया है? क्या इजरायल के दावे झूठे हैं जिसमें कहा जा रहा था कि उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा के रफा, खान यूनुस में इजरायली सेना का कंट्रोल है? हकीकत में हमास आज भी रफा में इजरायली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। दावों के मुताबिक पिछले 72 घंटों में इजरायल के कम से कम 8 सैनिक मारे गए हैं। शायद यही वजह है कि अब इजरायल को कहना पड़ा है कि लगभग 8 महीने से चल रहा गाजा युद्ध अगले 7 महीने और चल सकता है, यानी साल 2024 के अंत तक गाजा में इसी तरह से इजरायली सेना भीषण हमले करती रहेगी। जरा देखिए इजरायल के NSA ने क्या कहा है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तज़ाची हेनेग्बी ने कहा कि हमारे युद्ध मंत्रिमंडल ने 2024 को लड़ाई का वर्ष घोषित किया है। इजरायल के NSA हेनेग्बी ने कहा कि मई 2024 का 5वां महीना है। इसका अर्थ है कि हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट करने के लिए हमें 7 और महीने युद्ध करना पड़ सकता है। इजरायल के NSA का साफ कहना है कि हमास को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ा जाए, चाहे साल 2024 के अंत तक युद्ध क्यों ना करना पड़े। חשוב לי מאוד שאתם תבינו שאתם נלחמים במלחמה הכי צודקת שמדינת ישראל ניהלה אי פעם. מי שעכשיו מנסה לתקוף אותנו דרך כל מיני בתי דין בינלאומיים זה רוצחים שהרגו ילדים ואנסו נשים וחטפו זקנים שחלק מהם ניצולי שואה ומחזיקים אותם בעזה. לכן אנחנו עם התופעת רשע הזאת אנחנו נלחמים עד שאנחנו מחסלים אותה. हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाए बैठे इजरायल ने गाजा पट्टी, रफा, खान यूनुस पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की है। इजरायल के खूनी हमले से हमास बुरी तरह से बौखला गया है। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान ने बताया था कि 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2023 तक गाजा पर 35,000 टन विस्फोटकों से भरे बम गिराए गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास को मिटाने के लिए इजरायल को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू किए हैं। रफा में ही लगभग 25 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की IDF ने हमास के 200 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की IDF ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं जो सफल रहे हैं। IDF का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में हमास की 20 सुरंगों को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया है। इजरायल ने भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हुए। What difference actually does it make in killing innocent people, whether it is 1 gram or it is 500 ton? What? Killing is killing. इधर इसराइल ने गाजा जंग पर कई बड़े दावे किए हैं। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजरायली सैनिकों ने 30,000 हमास लड़ाकों में से 15,000 लड़ाकों को मार डाला है और मिस्र से सटे बॉर्डर पर हमास को कैसे चारों तरफ से घेरा है। पहले देखिए हमास के लड़ाकों को इसराइल ने किस तरह से मारा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने सबसे पहले उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ में सीधा हमला किया। इजरायल ने हमास के खिलाफ मरकावा टैंक नाहल ब्रिगेड को जमकर इस्तेमाल किया है। उस वक्त महज 7 दिन में हमास के 2000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे गए थे। इसके बाद उत्तरी गाजा से लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा की तरफ भागना पड़ा था, जिनकी आड़ में हमास लड़ाके भी दक्षिणी गाजा में पहुंच गए थे और कई सरकारी इमारतों और अस्पतालों में अड्डे बना लिए थे। लेकिन इजरायली सेना ने खान यूनुस जबालिया कैंप पर इतने भीषण हमले किए कि हमास को रफा की तरफ भागना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि पिछले 8 महीने की जंग में इजरायली सेना ने 15,000 हमास लड़ाके मार डाले हैं, जबकि कुछ हमास लड़ाकों की तादाद 30,000 बताई जा रही है। यानी अभी भी इजरायल की IDF 15,000 हमास लड़ाकों को और मारेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हमास को मारने के चक्कर में फिलिस्तीनी बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। गाजा की खूनी जंग से दुनिया की नींद हराम हो गई है। अब तक गाजा युद्ध में 36,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि उत्तरी गाजा से 21 लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुके हैं। 10 मई 2024 के बाद से रफा में इसराइल के भयंकर हमलों की वजह से 8 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो गए हैं। आखिर रफा में क्या हो रहा है? दुनिया क्यों कह रही है रफा में सबकी निगाह है? دائما هم في خطر كبير لكن بحمد الله تمكننا ان نطلع من رفح تحت القصف الوضع في خان يونس صعب جدا الزحمه كبيره جدا تعداد خان يونس بالاضافه الى رفح والشمال وصل الى 1,700,000 واحد فيش مكان ننزح له 7 महीने और चलेगी जंग मारे 15,000 हमास लड़ाके। इधर तमाम दबावों के बावजूद नेतन्याहू रफा में खूनी जंग पर उतारू है। जानकारों के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे गाजा पर अब इजरायल का कंट्रोल हो ताकि हमास भविष्य में कभी भी सिर न उठा पाए। इसीलिए रफा में भीषण हमले पिछले 24 घंटे से हो रहे हैं। 7 महीने और जंग करने पर आमादा इजरायल ने हमास के खिलाफ एक और बड़ी बढ़त हासिल करने का दावा किया है। जरा इस एनिमेशन के जरिए देखिए कि मिस्र और गाजा पट्टी की सीमा पर बने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बफर जोन पर इजरायल ने क्या दावा किया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी और मिस्र के बीच सीमा पर एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है, जिसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। IDF की इस कार्रवाई से हमास में खलबली मच गई है। कई हमास लड़ाके और उनके अड्डों को तबाह कर दिया गया है। मिस्र से सटे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जा करने के बाद से रफा में हमास का बच निकलना मुश्किल हो गया है। इजरायली सेना अब रफा के अंदर तक टैंक लेकर घुस चुकी है। साथ ही रफा के भीतर छापेमारी और जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है। हम आपको बता दें, ये हैरान करने वाली इजरायली कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस आदेश के बाद की गई है जिसमें रफा पर हमले तत्काल रोकने के आदेश दिए गए थे। השיגו שליטה מבצעית בציר פילדלפי, בגבול שבין מצרים לרפיח. ציר פילדלפי שימש כצינור החמצן של חמאס. דרכו חמאס עסק בהברחות אמל"ח לשטח הרצועה באופן קבוע. ההישג הזה הוא תוצאה של מהלך מבצעי בהובלת אוגדה 162 שנלחמת במרחב רפיח בשבועות האחרונים. इधर हारते हांफते हमास ने इजरायली सैनिकों को भीषण टक्कर देने का दावा किया है। हमास की सशस्त्र शाखा इज़्ज़ अद-दीन अल-क़स्सम ब्रिगेड ने कहा कि उसने इजरायल के अश्कलोन बंदरगाह की ओर रॉकेटों की बौछार की और उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर में एक इजरायली कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हमास का दावा है कि इजरायल के सबसे घातक मरकावा टैंक को तबाह कर रहा है। उनके दर्जनों सैनिकों को हफ्ते भर में मार चुका है। हमास के ये दावे साबित करते हैं कि हमास रफा में इजरायली सेना को अपने जाल में फंसा चुका है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि 7 महीने से ज्यादा की जंग में इसराइल ने जरूरत से ज्यादा बम गिराए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास अभी भी इसराइल पर आसानी से हमले कर रहा है। हमास रफा और उत्तरी गाजा से इसराइली ठिकानों पर हमले हर दिन कर रहा है। अब हम आपको इसराइल की बमबारी का एक ऐसा आंकड़ा दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देगा। हमास के दावे के मुताबिक इसराइल able to access our warehouse in Rafah for more than a week. We have very little food and fuel coming through the border crossings in the south, and we are always trying hard but failing currently to bring in consistent volumes of food. अब देखना होगा कि अगले 7 महीने तक क्या हमास इजरायली हमलों के सामने टिक पाता है या फिर इजरायल को गाजा जंग साल 2025 में भी लड़नी पड़ेगी।